सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। अपाची हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए इंडियन आर्मी ने अभी फॉर्मली यूएस गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। यूएस के तरफ से भी इंडिया की रिक्वेस्ट को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन आर्मी के लिए 6 अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए पिछले अगस्त में ही मंजूरी दे दिया था, जिसके चलते टोटल 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स और उसके साथ पूरी वेपन पैकेज को खरीदा जाने वाला था। इस डील की टोटल कीमत 4,168 करोड़ तय किया गया था। पहले ही इंडिया ने 22 अपाची और 15 चीनों हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर चुकी है, जिसकी कीमत $3.1 बिलियन है। ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया को 2019 से डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। हाल ही में प्लेस किया गया 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स की डील उसी डील का एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। अगला अपडेट ATAGS की तरफ से। रिसेंटली ATAGS ने अपनी विंटर ट्रायल और हाई अल्टीट्यूड ट्रायल के सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। इसी बीच ATAGS को 2 प्रोटोटाइप्स G1 और G2 ने सिक्किम में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई में 100 से भी ज्यादा राउंड्स को फायर किया है। इस ट्रायल के दौरान इन गन्स की रेंज, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया जा रहा था। इनिशियली 40 ATAGS को इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है और कुछ सोर्सेस का कहना है कि 2021 तक इंडियन आर्मी में 1,000 से भी ज्यादा ATAGS को शामिल किया जाने वाला है। लेकिन इससे पहले इन गन्स को इंडियन आर्मी के एक और टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है, जिसके दौरान इसकी वेट, एक्यूरेसी और मल्टीपल राउंड फायरिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। फ्राइडे को इंडियन आर्मी ने 5.5 लाख नए असॉल्ट राइफल के लिए एक नया RFI को इशू किया है। इन राइफल्स को मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। रिसेंटली 6,000 स्नाइपर राइफल्स के लिए भी RFI इशू किया गया था। इंडियन आर्म फोर्सेस को अभी 8.1 लाख नए असॉल्ट राइफल की जरूरत है, जिनमें से 7.6 लाख राइफल्स इंसास राइफल को रिप्लेस करने वाले हैं। फ्राइडे को इशू किया गया RFI के अंदर 5.5 लाख राइफल्स को ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा और एडिशनल 1.8 लाख राइफल्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदा जा सकता है। इन दोनों की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,300 करोड़ तय किया गया है। RFI के मुताबिक नए राइफल्स 7.62x51mm कैलिबर के होने वाले हैं और इनकी रेंज 500 से 550 मीटर तक होने चाहिए। इन राइफल्स का वजन 4 kg के अंदर होना चाहिए और इनमें स्कोप्स और नाइट विजन सिस्टम लगे होने चाहिए। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO ने कल इंडिजिनियस पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट लक्ष्य 2 का एक सफल परीक्षण कर लिया है। इन ट्रायल के दौरान इसकी वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा था। सोर्सेज के मुताबिक लक्ष्य 2 का 9 बार वेपन ट्रायल किया गया था और सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे थे। DRDO अभी एक नए तरह के बॉम्ब्स और मिसाइल को डेवलप कर रही है, जिनको इंडिया की मेल और हेल क्लास के UAVs में इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO का कहना है कि लक्ष्य 2 ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम अभी 30 मिनट तक है और आने वाले वक्त में इसको और बढ़ाया जा सकता है। अगला अपडेट CRPF की तरफ से है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक CRPF अभी 25 हाई एंड ड्रोन्स को खरीदने वाली है। इन ड्रोन्स को एंटी माओइस्ट ऑपरेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इसका टेंडर इशू किया जाएगा। हर एक ड्रोन की कीमत 15 लाख है और इन ड्रोन्स को सर्वेलेंस और रिकॉग्नेंस जैसे मिशन के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इन मिशन के लिए CRPF अभी इंडियन मेड नेत्र ड्रोन को इस्तेमाल कर रही है और सोर्सेज के मुताबिक नए ड्रोन्स पुराने ड्रोन से फ्यूचर के मामले में काफी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक इसरो मार्च और अप्रैल के बीच एक और IRNSS सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है। पिछले साल IRNSS-1S सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से वो लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इस बार इसरो फिर से एक और IRNSS सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने द हिंदू को एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अभी हमारे पास 6 नेविगेशनल सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन हम और एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स को ऐड करना चाहते हैं ताकि बेहतर एक्यूरेसी और बेहतर बैकअप प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।